Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 4 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 6 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 66। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कोविड 19 के साथ साथ हम बात करें कोविड वैक्सीन के बारे में, जहां पर काफ़ी एग्रेसिवली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता जा रहा है और कर्नाटक ने हाल ही में काफ़ी वैक्सीनेशन दिए भी हैं। एक और बात चल रही है बूस्टर डोज की, जो कि काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में चल रही है, यानी 2 डोज लेने के बाद एक और डोज भी दिया जा रहा है, जिसे कह रहे हैं हम बूस्टर डोज। क्या आपको हम सबको बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर कई सारे लोगों को 2 डोज नहीं मिले हैं। अगर सर्वे की बात माने तो 15% इंडिया के जो अडल्ट हैं वो वैक्सीनेशन लिए हैं। अभी कई सारे लोगों को वैक्सीनेशन दोनों डोज मिलना ज़रूरी है, तो ऐसे में तीसरे डोज की तो बात हो ही नहीं सकती। फिलहाल काम ये करना है कि 2 डोजेस लगाकर पहले सभी पॉपुलेशन वैक्सीनेट करना है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि क्या होगा बूस्टर शॉट का। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन भी है, काफ़ी सारे लोगों का मानना भी है कि भाई स्कूल्स की जो फीस का मामला चल रहा था, आखिरकार क्या ऑर्डर आया है कर्नाटक हाई कोर्ट से। इस पर कई सारे प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पेरेंट्स का एक टग ऑफ वॉर चल रहा था भाई कि फीसेस का मामला क्या है। हम बड़े सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और पेरेंट्स और स्कूल वालों का मामला क्या है। सबसे पहले 2020 और 21 जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, तब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि भाई 30% फीस कट करना चाहिए 2020 और 21 के एकेडमिक सेशन की। इस पर पेरेंट्स तो काफ़ी खुश थे कि भाई 30% फीस कट होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस पर इस पर काफ़ी मामला चल रहा था और उन्होंने एक कोर्ट पर एक केस भी डाला था। और कोर्ट ने आज ये जो मामला किया है कि भाई 30% जो हमने फैसला सुनाया था उसे वापस रिड्यूस कर दिया है और 15% स्कूल की फीस कट की जाएगी। कब की कट की जाएगी? 2020 और 21 के एकेडमिक सेशन की। कई सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इस बार के सेशन में 15% कट होगी क्या? बल्कि ऐसा नहीं है। पिछली बार जो इन्होंने फीस कलेक्ट करनी है उसमें आपको 15% कट करते हुए स्कूल की फीस देनी होगी। इस बार के लिए कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि इस बार जो भी स्कूल्स आपको फीस तय करेंगी या जो भी आपको कंसेशन देना होगा, इस तरह का मामला चलते जाएगा और स्कूल्स के ऊपर 15% जो है पिछले साल की फीस कट है, इस बार के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है। क्या बात करते हैं हम शेर कर्नाटका डॉक्टर अलहाज लेट खमरुस्सलाम साहब के बारे में, जिनकी डेथ एनिवर्सरी आज 17 सितंबर को सेलिब्रेट की गई। जी हाँ, 17 सितंबर जो कि डेथ एनिवर्सरी खमरुस्सलाम साहब की। ये अहम बात यह है कि खमरुस्सलाम साहब काफ़ी बड़े लीडर थे, जो कि गुलबर्गा पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल पर लेके गए थे और एक काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन वो थे, साथ ही साथ एक अच्छे ह्यूमन बींग। आज गो हैश और हैश इंक्लूड ट्रिब्यूट सेंड कर रहा है डॉक्टर खमरुस्सलाम साहब। इतिहाद चौक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक कैंडल मार्च रखा गया था, जहां पर जस्टिस फॉर सबिया एंड चैत्रा पर बात हो रही है। हाल ही में चैत्रा और सबिया का जो ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ उस पर आवाज़ उठाई जा रही है इतिहाद चौक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। आइए नजर डालते हैं ये पीसफुल कैंडल मार्च पर। मुल्क में जो बेटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ यहाँ पर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इस मुल्क की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ और हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मेरी अपील ये है कि
तुम इस मुल्क को जिस तरीके से आप चला रहे हैं, इस मुल्क में आप सोच कर देखिए इस मुल्क का जीडीपी कहां पर है। इस मुल्क का जीडीपी पूरा बुनियादी लेवल पर आकर बैठा हुआ है और इस मुल्क में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगा है आपकी बीजेपी सरकार ने लगाई है, लेकिन क्या है रक्षा बेटी की? इस मुल्क के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है और इस मुल्क के जो ग्रह इलाके जो है पुलिस प्रशासन है उनसे भी मेरा सवाल है। इस मुल्क में तुम इस मुल्क के कानून को अगर इज्जत करते हैं तो इस मुल्क में जो अत्याचार हो रहा है उसे बचाने की कोशिश आप इस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काम पे आप अमल करिए। तमाम एनजीओ मिलकर यहाँ पर इत्तेहाद चौक पर अपना इत्तेहाद का मुजाहरा किए हैं। इसी तरीके से हम इत्तेहाद के नारे पर हम इस मुल्क की सरकार से हम वार्निंग करते हैं कि तुम इस मुल्क में इस मुल्क की सरकार को अगर चलाना चाहते हैं इस मुल्क के संविधान के आधार पर आप सरकार को चलाइए, नहीं तो सीट खाली करिए। मेरा आखिर में हम बात करने वाले हैं प्राइम प्रॉपर्टीज के हमारे शो में रीगल एनक्लेव जो कि एक NHGDA लेआउट है जहाँ कई दिनों से आप एडवर्टाइजमेंट और कई दिनों से आप प्रमोशन देखते आ रहे हैं। ये लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं NHGDA कुडा अप्रूव्ड ये लेआउट है जहाँ पर आप अपना ड्रीम प्लॉट खरीद सकते हैं और अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और तुरंत अपने NHGDA प्लॉट को बुक करें। AN बैंकवर्ड्स के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ये लेआउट है जो कि कंप्लीट आबादी में है और रिंग रोड से बिल्कुल बहुत करीब होती है और KNZ फंक्शन हॉल और आसपास का एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो ये राइट टाइम है कि आप एक NA और कुडा अप्रूव्ड प्लॉट अपना ड्रीम हाउस में बना सकते हैं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KVN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।